नमस्कार, मैं अमित काकड़े आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आज कुछ रोमांटिक गीतों के साथ, दिलों से दिल की बात कई सारे शायरों ने जो कही है, जो कई गीतों के जरिए बरसती हैं, कई गीतों के जरिए हमारे दिलों की गहराइयों तक पहुंच जाती है, आज उसे छूने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास में कई सारे नए पुराने गीत एक के बाद एक आप सभी के सामने बिखरेंगे, मगर कहना चाहूंगा कि सुरों की महफिल सुहानी रहेगी, लबों पे खुशी की कहानी रहेगी, बिखरते रहेंगे सुरों के सितारे जब तक आपकी जोरदार तालियों की मेहरबानी रहेगी। ये तालियों का साथ हरदम मिलता रहेगा, ऐसे में उम्मीद करता हूं। और आज उसी दिल के बारे में कुछ जानना चाहेंगे जिस दिल के बारे में कई सारे शायरों ने अपनी अपनी बात कही है, अनोखे अंदाज में। किसी ने शायराना अंदाज में इस दिल को बयां किया, कहते हुए कि ये दिल किसी के इंतजार में तड़पता है तो किसी के दीदार को तरसता है, ये दिल किसी के इंतजार में तड़पता है तो किसी के दीदार को तरसता है, ये दिल होता है हमारा पर किसी और के लिए धड़कता है, ये धड़कनें जब तेज हो जाती है ना तब कहीं ना कहीं दिल में प्यार की वो उमंग जाग उठती है, और बस तब हम कहते हैं कि यार ये दिल तो दीवाना हो गया। इसी दीवानगी को बयां करने के लिए लता जी की गायकी के साथ सजा हुआ मैंने प्यार किया का वो गाना हम आपकी नजर करना चाहेंगे, जिसे सुनने के बाद आप सभी को भी याद आएगा वो पल जब आपने भी प्यार किया होगा और उस प्यार को कुछ इस तरह आजमाया होगा कि यार प्यार को करना, प्यार को जीना और प्यार के हर लम्हे को एंजॉय करना, ये बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। और आज ऐसे कई खुशनसीब लोग जो सामने बैठे हैं, उन सभी के लिए इसी प्यार की दीवानगी को, इस दिल की दीवानगी को बयां करने के लिए मैं आगे बुलाना चाहूँगा पेशे से लॉयर मगर गीतों में एक लवर की तरह अपने जज्बातों को बयां करने वाली ये फनकारा, जोरदार तालियां चाहूंगा पल्लवी पारगावकर जी के लिए। दुनिया
चाहे